स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के एक ड्रामा डियर डिपार्टेड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपने देखा होगा बुक में आपको इसके एक भी पिक्चर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको लगता होगा कि ये ड्रामा काफ़ी ही बोरिंग है। बट मेरे इस वीडियो में आपको पिक्चर के साथ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद भी आएगा। द डियर डिपार्टेड, ये एक सस्पेंस मूवी, एक थ्रिलिंग माइंड ब्लोइंग मूवी से कम नहीं है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस ड्रामे में कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बता दूं, ताकि आप सबको आगे चल के कोई परेशानी ना हो इसे समझने। फर्स्ट कैरेक्टर है एबल मेरीवेदर, ये एक ओल्ड मैन है और फादर हैं एमेलिया यानी मिसेस एमेलिया स्लैटर एंड एलिजाबेथ यानी मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन के पिता हैं। मिसेस एमेलिया स्लैटर एंड मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन, ये दोनों मिस्टर एबल मेरीवेदर के दो डॉटर हैं जो कि मैरिड हैं। अब हस्बैंड ऑफ एमेलिया एंड एलिजाबेथ, पहला हेनरी स्लैटर है जो मिसेस एमिलिया के हस्बैंड हैं। दूसरा बेन जॉर्डन जो मिसेस एलिजाबेथ के हस्बैंड हैं। अब मिस्टर एंड मिसेस स्लैटर की एक 10 साल की बेटी है जो समय से पहले ही बिगड़ चुकी है, जिसका नाम विक्टोरिया है। अब दूसरा मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन का एक बेटा है जिसका नाम जिमी है। तो ये थे कैरेक्टर्स द डियर डिपार्टेड के। अब शुरू करते हैं। तो मिस्टर स्लैटर टेबल पे कुछ चीज़ें सजाती हुई दिख रही हैं। वो एक हट्टी कट्टी गोल मटोल लाल चेहरे वाली एक वल्गर, जो क्या बोल सकते हैं, वल्गर मीन्स असभ्य, एक गवार किस्म की औरत है। उन्होंने ब्लैक कलर के एक ड्रेस पहने रखी है और वो मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं है। वो कुछ पल के लिए कुछ सुनती है और फिर खिड़की के पास जाती है और गली की तरफ अपना फेस करके ज़ोर से आवाज़ लगाती है। मिसेस लेटर बोलती है, विक्टोरिया विक्टोरिया, क्या तुम मुझे सुन रही हो? अंदर आ जाओ, आती हो या नहीं? और फिर वो खिड़की बंद करते कर देती है, पर्दे को सीधा कर वापस अपने काम में लग जाती है। अब विक्टोरिया अंदर आती है, उसने एक कलर ड्रेस पहन रखा है। तभी मिसेस लेटर बोलती है, मुझे तुम पर हैरानी हो रही है विक्टोरिया, तुम इस तरह गली में कैसे खेल सकती हो, जबकि तुम्हारे ग्रैंडफादर सीढ़ियों के ऊपर ठंडे और मरे पड़े हैं। अब तुम जाओ और अपना ड्रेस चेंज कर लो, इससे पहले कि तुम्हारे अंकल मौसा एलिजाबेथ और मौसा बेन आ जाए। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें कलर ड्रेस में देखें, क्योंकि विक्टोरिया के ग्रैंडफादर मर चुके हैं और उसे उस समय मातम वाले कपड़े पहनने चाहिए। तब विक्टोरिया बोलती है, वो किस लिए आ रहे हैं, वो लोग तो कितने सालों से कभी नहीं आए हैं। तब मिसेस लेटर बोलती है, वो लोग ग्रैंडपा के प्रॉपर्टी के मामले में बात करने आ रहे हैं, तुम्हारे फादर ने उन्हें टेलीग्राम भेज दिया है और वो किसी भी वक्त आते होंगे। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। मिसेस लेटर बोलती है, हे भगवान, कहीं ये तुम्हारे अंकल और आंटी एलिजाबेथ तो नहीं? ये बोलते हुए वो जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलती है। थैंक गॉड, ये तो तुम्हारे फादर हेनरी हैं। हेनरी एक मोटा गोल मटोल आगे की तरफ झुका हुआ आदमी है, जिसके मूछें हैं जो नीचे की तरफ लटकी हुई है, और वो अंदर आता है। उसने एक काला कलर का टैल कोट, ग्रे कलर के ट्राउज़र, काली टाई और काली डर्बी हैट पहन रखा है और हाथ में एक पेपर में लिपटा हुआ एक पार्सल लिए हुए है। हेनरी बोलता है, हेनरी, क्या वो लोग अभी नहीं आए हैं?
मिसेस स्लैटर बोलती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो अब तक नहीं आए हैं? और विक्टोरिया को बोलती है कि विक्टोरिया तुम ऊपर जाओ और अपने वाइट फ्रॉक पहन लो और उस पर एक ब्लैक कलर का कमरबंद बांध लेना। विक्टोरिया बाहर चली जाती है। मिसेस लेटर बोलती है हेनरी से कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन ये अच्छा है जो हमने पहनने रखा है जब तक हमारी न्यू ड्रेस रेडी नहीं हो जाती। बेन और एलिजाबेथ ने अभी तक मॉर्निंग ड्रेस के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तब हेनरी फायरप्लेस के सामने चेयर पे बैठ जाता है। मिसेस लेटर बोलती है हेनरी अपने बूट्स उतार दो, एलिजाबेथ काफ़ी ताक झात करने वाली औरत है और वो गंदगी को देख लेती है। हेनरी बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग आएंगे भी या नहीं, क्योंकि जब तुम और एलिजाबेथ लड़ाई की थी तब उसने कहा था कि वो दोबारा इस घर में अपने पाँव नहीं रखेगी। मिसेस लेटर बोलती है वो अपना हिस्सा लेने के लिए दौड़ी चली आएगी जो ग्रैंडफादर छोड़ के गए हैं। तुम्हें तो पता है कि वो कितनी जिद्दी बन जाती है, पता नहीं उसमें इतना जिद्दीपन कहाँ से आया। और मिसेस लेटर वो पार्सल खोलती है जो हेनरी लाया था। इसमें एक एप्पल पाई है जिसे वो टेबल पे रख देती है, टेबल पे निकाल कर। और हेनरी बोलता है मुझे लगता है ये गुण तो तुम्हारे फैमिली में से ही आया हुआ है, ये जिद्दीपन। मिसेस लेटर बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो हेनरी? और हेनरी बोलता है कि मैं तो तुम्हारे फादर के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हें ऐसा बोल सकता हूँ क्या? और फिर हेनरी बोलता है कि मेरे स्लीपर यानी चप्पल किधर हैं? मिसेस लेटर बोलती है किचन में, अब तुम्हें न्यू चप्पल की ज़रूरत है, वो पूरे ख़राब हो चुके हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। वो बोलती है बेहतर होगा कि अब तुम ग्रैंडफादर के स्लीपर पहन लो, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने अभी अभी ही न्यू स्लीपर खरीदे थे। हेनरी बोलता है माय लव लेकिन वो तो मुझे छोटे होंगे। मिसेस लेटर वो खुल जाएंगे, मैं इसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। और फिर टेबल पे चीज़ें सजाने लगती है और बोलती है हेनरी मैं ग्रैंडपा के उस अलमारी के बारे में सोच रही थी जो उनके बेडरूम में है। तुम तो जानते हो ना कि मैं हमेशा से उसे हासिल करना चाहती थी। हेनरी तुम और एलिजाबेथ इस पे बात कर लेनी चाहिए जब तुम दोनों चीज़ों को डिवाइड करने में बैठी होगी। मिसेस लेटर बोलती है एलिजाबेथ इतनी चालाक है कि वो समझ जाएगी कि मैं इस अलमारी को लेना चाहती हूँ। हेनरी शायद उसकी भी आंखें इस अलमारी पे हो। मिसेस लेटर वो तो इस अलमारी के बारे में जानती तक नहीं, क्योंकि वो कभी भी नहीं आई है जब से ग्रैंडपा ने इस अलमारी को खरीदा है। और अगर यह अलमारी ऊपर ग्रैंडफादर के बजाय मेरे कमरे में होती तो उसे कभी शक भी नहीं होता कि यह अलमारी हमारी नहीं है। मिसेस लेटर यह अलमारी को पाना चाहती थी क्योंकि उन्हें शक था कि उस अलमारी में कुछ न कुछ कीमती सामान है।